हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रॉस्पैरिटी बिगिंस। और देखिए, प्रॉस्पैरिटी बिगिंस के कार्ड को लिटरली देखें तो किसी चीज़ के शुरू होने की, किसी चीज़ के बिगिन होने की बात करता है, जो कि एक प्रॉस्परस एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये नई बिगनिंग एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाते हुए दिख रही है। पैसे, फाइनेंसेस, मनी, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक गेन भी किसी लेवल पर इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इसके बावजूद भी सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप अटक गए हैं किसी चीज़ में और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, ऐसी फीलिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना आप पीछे जा पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है और इसी से ही रिलेटेड आप 2 माइंड्स में हैं, आप वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगी वर्गोस कि जितना भी डिफिकल्ट ये डिसीजन लेना हो, आप डिसीजन जरूर लें, आप चॉइस जरूर लें, आप आगे जरूर बढ़ें। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज में ज्यादा देर तक रहते हैं तब कहीं एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी हम अपने लिए खुद ही ब्लॉक करते हैं और उस टाइम हम नहीं देख पाते, लेकिन आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूंगी कि ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं, लेकिन जिस भी चीज़ को लेकर आप अटका हुआ या स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकालें। और देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टक एनर्जीज हमारे ही थॉट्स, हमारे ही बिलीफ सिस्टम्स की वजह से होती हैं। और जब हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं, तब भी एक क्लैरिटी हमें मिलती है और तब भी हमारे लिए आसान हो जाता है उस डायरेक्शन को चूज़ करना, उस डिसीजन को लेना। तो देखिए, ऐसा इस वीक आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। और देखिए, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने की बात करता है। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं कहीं उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं, लेकिन अगर आप विल पावर, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे, अगर आप डरेंगे नहीं, बहुत ही करेजियसली, अगेन मैं कहूँगी अपफ्रंट होकर हर चीज़ को डील करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और ये कार्ड सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो जो भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं इस वीक, उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं, इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन भी इस वीक रखनी है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि पिछली कुछ बातें, पिछले कुछ इवेंट्स, पिछले कुछ रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा इस वीक याद कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि पुरानी बातों को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये जो मेमोरीज ऑफ लव हैं उन्हीं से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं और उन्हीं से ही रिलेटेड कहीं स्ट्रांगली चीज़ों को डील करने की भी ज़रूरत है।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है और गॉडेस लक्ष्मी कहीं ब्राइट फ्यूचर आपको प्रॉमिस करती हैं. गॉडेस कहती हैं स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. तो देखिए क्या बात है जब गॉडेस लक्ष्मी खुद ही आपको बोल रही हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है. जो भी इश्यूज मसले आप इस वीक किसी भी लेवल पे फेस कर रहे हैं ये सब ठीक हो जाएंगे और आगे जो भी होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा. एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं. एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे. तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल. और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए.